जय हिंद। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपको जॉब से जुड़ी जानकारी के बारे में अपडेट कराते ही रहते हैं और आशा करते हैं हम जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं वो आपको पसंद आता होगा और आपके लिए सफलता में कुछ योगदान देता होगा। हम इसी बीच आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट है 77 पदों का नया पद सृजन किया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, सहायक ग्रेड 2-3 स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक भृत्य के 77 पदों पर नया सृजन किया गया है और ये पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में यहाँ पर 7 पद स्वीकृत किए गए हैं, 6 तरह के पोस्ट हैं और इसमें पदों की संख्या 7 है क्योंकि भृत्य के 2 पद हैं। टोटल 11 जो नए अनुभाग बनाए गए हैं वहाँ पर ये पद स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि अभी इस पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वैकेंसी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द से जल्द इन पदों को भर्ती ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द से जल्द इन पदों को भरने का आदेश निकालना चाहिए। इसे वित्त विभाग द्वारा भी सहमति प्रदान कर दी गई है और जल्द से जल्द ये भर्ती ली जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दी जानी चाहिए। अभी फिलहाल भर्तियां अटकी हुई हैं और क्यों अटकिया हुआ है ये भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक विशेष सत्र का आगमन भी किया गया है। विधानसभा सत्र मंगाए गए हैं दिसंबर में, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आरक्षण रहेगा वो 58% रहेगा या 50% रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 58% आरक्षण को निरस्त करके अब 50% आरक्षण रहेगा। ऐसा आदेश दिया गया है जिसके कारण से नई वैकेंसियां निकाल तो नहीं रहा है, हालांकि पहले भी नहीं निकाल रहा था, लेकिन अब जो पद सीजन कर दिए गए हैं उसका वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। नए पद तो निकाल नहीं रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसी बीच ये और अपडेट आ गया तो उसे सोने पर सुहागा मिल गया ऐसा लगता है, क्योंकि पुराने भर्ती को भी क्लियर नहीं कर रहा है और नई भर्तियां निकाल भी नहीं रहे हैं। इसी बीच आपके लिए ये एक अवसर रहेगा कि ये जैसे कि यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के पद को फिर से यहाँ पर 11 पोस्ट भर जाएंगे। पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि 46 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर के बढ़े थे तो और यहाँ पर 11 बढ़ गए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर कुल 57 पोस्ट बढ़ जाएंगे। तो वैकेंसीज में संख्याओं बढ़ेगा अगर पद सीजन रहेगा तो यही अपडेट बस आपको देना था। आपको अपडेट कैसा लगा एक बार आप फीडबैक आप जरूर दें।